संवेदनशील क्षेत्रों में आमजन से सुरक्षा की भावना बढ़ाने और सड़कों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यालय सहित ब्लॉक में पुलिस कर्मियों ने पैदल मार्च किया। मुख्यालय पर भी एसपी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने मुख्य बाजारों सहित संवेदनशील इलाकों में गश्त की। पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर पैदल भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान शहर के 10 से अधिक कैफे को चेक कर अनावश्यक लगे हुए पर्दों को हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर की सड़कों पर बेतरतीब ढंग से चलने वाली मोटरसाइकिल को चेक किया गया तथा 10 से अधिक बिना नंबर की मोटरसाइकिलों को थाने पर भेजा गया। शहर में घूम रहे 15 से अधिक संदिग्धों को भी पृथक से थाने पर भेजा गया। आवागमन के रास्तों पर दुकानदारों द्वारा जबरन किए गए आंशिक अतिक्रमण को मौके पर ही हटवाया गया और दुकानदारों को हिदायत दी गई कि आमजन के रास्तों में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न करें। शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग सराफा बाजार में भी कप्तान द्वारा व्यापारियों से चर्चा कर नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाने के लिए कहा गया। उक्त पैदल भ्रमण पुलिस द्वारा आगे के दिनों में भी जारी रहेगा तथा नगर पालिका के साथ आम रास्तों पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बिना नंबर की अथवा तेज गति व तेज ध्वनि वाले साइलेंसरों को लगाकर चलाने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। खरगोन जिले के सभी थाना क्षेत्रों में आज सभी पुलिस के अधिकारी और सभी जवान सारे थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला गया है। बेसिकली विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब क्राइम रिव्यू किया था उसमें निर्देश दिए थे पुलिस को पीक आवर्स पे सड़क पे दिखना चाहिए, विजुअल पुलिसिंग होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट आता है। सड़क पे जब संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस भ्रमण करती है तो उससे काफ़ी जो शरारती तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उनमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। आज के भ्रमण के दौरान जैसा आप देख रहे हैं हमने काफ़ी बाजार के इंतजाम भी किए हैं, व्यापारियों से बातचीत की है, कई प्रकार के ऐसे असामाजिक तत्व मिले जो कि आपत्तिजनक तरीके से वहाँ उपस्थित थे या इस प्रकार की बिना नंबर की गाड़ियाँ थी उनको जब्त किया है। ये ओवरऑल एक्सरसाइज पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में हो रही है। डीजीपी साहब भी भोपाल में सम्मिलित हो रहे हैं। माननीय डीजीपी साहब के निर्देश पे सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक और सभी पुलिस विभाग का अमला 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये फुल पेट्रोलिंग कर रहा है। इससे निश्चित रूप से शराबी तत्व है उनमें एक डर की भावना पैदा होगी और आम नागरिकों में विश्वास की भावना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।